लक्ष्मी की अकेले आराधना ना करो, नारायण के साथ आराधना करो। तो लक्ष्मी अगर नारायण के साथ आएंगी तो नारायण का वाहन गरुण है और गरुण माने ज्ञान है, यानी कि धन भी आवे, लक्ष्मी भी आवे, सद्बुद्धि भी आवे, ज्ञान भी आवे, भक्ति भी आवे। और उसके पश्चात में मदिरा निकली, राक्षसों को दे दी गई। शराब का पीने का काम तो राक्षसों का है, जो शराब पीवे वो राक्षस, पियो खूब शराब जितना पीना है। और उसके बाद में महाराज रत्न निकला है, अमृत सुख। धन्वंतरी जी महाराज अमृत लेकर प्रकट हुए, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी। धन्वंतरी भगवान की जय हो। ये आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए हैं। जीवन में कभी कोई औषधि खानी हो, धन्वंतरी जी महाराज का सूत्र है, तीन नाम लेकर औषधि खाओ, अच्युत अनंत और गोविंद। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः, सत्यम सत्यम वदाम्यहम् हम। ये आयुर्वेद में ये तीन नाम लेना और फिर औषधि कोई खाना। औषधि में जो शक्ति है वो अपनी अलग, लेकिन अगर उसमें नाम की शक्ति हो जाएगी तो प्रभाव करेगी जीवन। कैसे? जैसे कोई पुष्प है, ये पुष्प ये जब खिला होगा तो महका होगा कि नहीं? लेकिन पुष्प में अपनी महक है, परंतु तब तक उसकी महक नहीं प्राप्त हो सकती जब तक वायु का आश्रय ना मिले। पवन में खुशबू को संवाहन करने की, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की, ट्रांसपोर्ट करने की शक्ति है पवन में, यहां से वहां ले जा सकता है। ऐसे ही भगवान, वैसे इसमें अपना गुण है, खुशबू है, लेकिन बिना पवन के बेकार। ऐसे ही औषधि में अपनी शक्ति है, लेकिन भगवान नाम रूपी पवन अगर चल जावे तो जीवन में प्रभाव भी तुरंत कर देगी, इसी समय कर देगी। अच्युतानंद गोविंद ये तीन नाम, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ये तीन नाम। और उसके पश्चात में महाराज इस अमृत के पीछे सब भाग रहे हैं। देखो असुर भी भाग रहे हैं और देवता भी भाग रहे हैं, यानी कि दोनों तरह की एनर्जीज हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ऑल वांट्स हैप्पीनेस, हर कोई को सुख चाहिए, हर किसी को खुशी चाहिए। और एक मजे की बात है, दुर्जन और सज्जन सभी खुश सुख के पीछे भाग तो रहे हैं, सुख बताओ किसके हाथ में लगा? सुख मिला, सुख किसको हाथ लगा? दुर्जन के हाथ सुख लगा, दुर्जन के हाथ। लेकिन सुख मिला किसको? सज्जन को। हाथ लगा दुर्जन के और मिला पाया सज्जन ने, माने जिसके हाथ लगा वो पा नहीं पाया और जिसके हाथ नहीं लगा उसने पा लिया। अब किसी ने पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि यह तो बात ऐसी थी, एक चीज तुम्हारी, एक चीज तुम्हारी, एक चीज तुम्हारी, एक चीज तुम्हारी, वन बाई वन तो मिल रहा था। तो दुर्जन राक्षसों के हाथ लगा, नाउ यू गेट बट यू कांट ड्रिंक बिकॉज ऑफ एक चांस तुम्हारी पूरी हो गई, अब दूसरी चांस है पीने की, ड्रिंक की। तो गेट एंड ड्रिंक दोनों में अंतर है। तो मिला असुरों के हाथ और पिया देवताओं ने, और वो भी सुख पी सकते हो, अपने बल पर सुख को हाथ ले सकते हो, अपने बल पर सुख हाथ लग सकता है। सुख अगर पियोगे तो बिना प्रभु कृपा के बल पर नहीं पी सकते हो, इसलिए मोहिनी अवतार जो है ये प्रभु कृपा का ही अवतार है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी, बोलिए मोहिनी भगवान की जय। नारायण अमृत विभाजित हुआ, देवताओं ने पान किया, एक दैत्य को भी पान करने का अवसर मिला क्योंकि वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। अमृत तो पिला दिया, लेकिन सूर्य चंद्रमा ने कहा ये तो असुर है,
दैत्य है, भगवान ने चक्र से गर्दन तो काट दी, लेकिन सूर्य चंद्रमा को लेकर ये शत्रु मानकर बैठ गए। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो आते हैं ये इन्हीं के कारण आते हैं। और उसके पश्चात में देवासुर संग्राम होता है, जिसमें अमृत पिए हुए देवता, भगवान की कृपा आश्रित अमृत पिए हुए देवता असुरों को दैत्यों को मारते हैं। बलि मरता है, नारद जी आकर युद्ध को रोकते हैं, इंद्र को कहते हैं जाके स्वर्ग में जाओ। शंकर भगवान को पता चलता है मोहिनी अवतार का, पुनः प्रार्थना करते हैं शंकर जी के लिए, दोबारा मोहिनी अवतार के दर्शन होते हैं। और मोहिनी अवतार का शंकर जी ने दर्शन किया तो शंकर जी भी मोहित हो गए, क्योंकि भगवान श्री हरि का संकल्प था, अगर काम को जलाने वाले कामारी को मोहित नहीं किया तो मेरा नाम मोहिनी नहीं। इसलिए शंकर जी को भी मोहित कर दिया, और मोहित कर दिया तब बाद में जाकर के शंकर जी के द्वारा एक प्रसंग आता है कि गर्भाधान हुआ है, कंसीव किया भगवान मोहिनी ने वीर्य को, और उसके बाद में एक संतान उत्पन्न हुई शंकर जी और मोहिनी के द्वारा। उन संतान का नाम अय्यप्पा अय्यप्पा अय्यप्पा, दक्षिण में मंदिर है रामेश्वरम से लगभग, नारायण जब मदुरई से जाते हैं मुन्नार के लिए केरल जाते हैं, तब वहां पर लगभग 200 किलोमीटर पर 150 किलोमीटर पर यह मंदिर है अय्यप्पा। पहाड़ पर चढ़ के जाना पड़ता है, काले कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये मंदिर है। और उसके बाद में महाराज, हाँ ये बड़ा दिव्य मंदिर है, मकर संक्रांति पे इतनी भीड़ होती है यहां पर, आकाश से एक दिव्य ज्योत ऊपर पहाड़ पर उतरती है, आकाश से दिव्य ज्योत अलग दिखती है। और महाराज ये मंदिर में बड़े भक्त जाते हैं आज, संभवतः स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, संभवतः स्त्रियों का प्रवेश यहां पर वर्जित है। नारायण उसके पश्चात में शुक्राचार्य गुरुदेव आए हैं, बलि को जिंदा किया मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। बलि ने कहा भगवान हम पराजित हो गए, मैं जानता हूं। बलि बोले छल हुआ, बोले सब जानता हूं, अब तो ये ऐसा यज्ञ कराऊंगा कि इंद्र आदि देवता तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अगर तुझसे युद्ध करने आएंगे तो युद्ध में पराजित नहीं कर सकते। इनको विजय यज्ञ कराया, इसमें से रथ निकला, बलि के बाबा प्रहलाद उतर करके आते हैं, बलि चरणों में अर्घ देता है, अपने गले की माला उतार करके प्रहलाद बलि के गले में पहनाते हैं। दो कृपा प्राप्त हो गई, गुरु कृपा और पितर कृपा। और जिसके जीवन में गुरु और पितर दोनों की कृपा हो गई, मौज है उसकी तो कहना ही क्या है। रथ में बैठ करके जाओ बलि, तुम्हें कोई पराजित नहीं करेगा, ये विजय माल है और ये विजय रथ है, विजय श्री तुम्हारे कदम चूमेगी। बलि जाता है और महाराज इंद्र के दरवाजे पर जाकर के शंखत ध्वनि करता है, इंद्र निकल करके आता है। जो बलि का तेज देखता है, युद्ध जीतना बहुत दूर की बात, करना भी इंद्र की हिम्मत नहीं हुई है, अमृत पिए हुए इंद्र भी वहां से देवताओं सहित पलायन कर ले, और उसमें बलि का स्वर्ग में बलि का आधिपत्य हो गया। ब्रह्मा के पास गए, नारायण के पास गए, सपने का हम कुछ नहीं कर सकते। बोले प्रभु आपने हमें दिलाया और राज्य चला गया। बोले गलती तुम्हारी, जब एक बार राज्य मिल गया, सफलता जीवन में तुम्हें मिल गई, तो तुमने कौन सा परोपकार का काम कर दिया, फिर भोग भोगने लग गए। सफलता प्राप्ति का अर्थ भोगना नहीं है, परोपकार करना है। अगर सफलता प्राप्ति करने के बाद में तुमने भोग भोगा तो फिर सफलता चली जाएगी। अगर चाहते हो आजीवन सफलता तुम्हारी बनी रहे तो सफलता प्राप्ति के बाद में परोपकार करोगे तो जीवन में सफलता आजीवन बनी रहेगी। परोपकार पुण्य का काम जरूर करना। नारायण उसके पश्चात में मां के पास आए, मां कृपा करे तो संभव है। एक सबसे हिंदी वर्णमाला में 2.5 लाख से ज्यादा शब्द हैं, लेकिन अपने आप में सबसे छोटा और परिपूर्ण शब्द यदि कोई है तो वो है मां। सबसे छोटा और परिपूर्ण मां।
अगर मां शब्द लिख दिया, समझ लो सारे प्रश्नों का हल है मां। जब छोटा था उंगली पकड़ करके चलता था, कोई पूछते थे क्या चाहिए, मुंह से निकलता था मां। मां कहा बस, समझ लेते थे इसको मम्मी की याद आ रही है, इसे तो मां चाहिए। छोटे बच्चे के जीवन में मां ही सबसे बड़ी है। हम लोग बड़े होते हैं तब समझते हैं कि मां बाप की जरूरत नहीं है, मां सबसे ऊंची है। सबने आज मां को पुकारा, आओ हम भी एक बार मां का आश्रय ले लें। विपदा में मां देव पुकारे तुमको, 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 तुमने हर हर्षों से उबारा हमको, 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 हमको। विपदा में मां देव पुकारे तुमको, 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 तुमने हर हर्षों से उबारा हमको, 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 हमको। आंधी आए तूफान आए हमको, ना कोई गम सताए माँ। आंधी आए तूफान आए माँ, हमको ना कोई गम सताए माँ। हम सब गाए तुम्हें बुलाए, हम सब गाए तुम्हें बुलाए, भटके नर को राह दिखाए, भटके नर को राह दिखाए।
आरती करते हैं ना, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। ये माँ है, माँ के नवरात्र क्यों होते हैं जानते हैं आप? 9 दिन के नवरात्र ही क्यों? 10 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 9 दिन ही क्यों? एक एक राक्षस हुआ एक समय, नाम में हमें भ्रम हो सकता है, संभवतः द्रुमिल नाम करके राक्षस था, द्रुमिल। ये असुर राक्षस ऐसा हुआ, इसने महाराज इसके पाप के कारण धरती पर अकाल छा गया, सूखा पड़ गया, चारों तरफ भूख से बच्चे बिलखने लगे, रोने लगे। और बच्चा जब रोता है तो मां पुकारता है, बच्चों ने रो करके मां 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 मां, धरती पर जितने थे सब मां मां पुकारने लगे, त्राही त्राही हुई। और मां मां अपनी करुणा को रोक न सकी, नदियां सूख गई, तालाब सूख गए, तलैया सूख गए, सरोवर सूख गए, और तब बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं। मां, वही मां शताक्षी माता के रूप में प्रकट हुई, 100 आंखें, और बच्चों को रोता हुआ देख करके मां भी आंखों से आंसू बहा रही है। इतनी रोई मां, इतनी रोई मां कि मां के आंखों से गिरने वाले आंसुओं में सैलाब आ गया, बाढ़ आ गई। रोते 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 महाराज तालाब भर गए, तलैया भर गए, सरोवर भर गए, नदियां बहने लगी, और मां अपने हाथ में कंदमूल फल लेकर के प्रकट हुई। इनका एक नाम और हुआ, जानते हो क्या हुआ? बताओ, जिनके हाथ में फल सब है, आपने दर्शन किए? एक माता साकंबरी, साकंबरी माता के रूप में प्रकट हुई है, सब बच्चों की भूख मिटाई है। 9 दिन और 9 रात मां निरंतर रोई हैं, और 9 दिन 9 रात रोने पर जब तालाब सरोवर नदियां सब भर गई तो मां के नवरात्र होना 9 दिन के प्रारंभ हो गया। ये है मां के नवरात्र की कथा संक्षिप्त में, सार रूप में। और उसके पश्चात नारायण, मां ने अदिति ने अपने पति से पूछा कि मेरे बच्चों को राज्यभार वापस मिले इसका उपाय। अरे मर गई बच्चों के लिए जिंदगी भर भजन कर, स्वामी मैंने जीवन में आपसे ब्याह करके आई हूं, कुछ मांगा नहीं है, पहली बार आपसे कुछ कह रही हूं। कौन मां बच्चों को तड़पता देख सकती है? पयोव्रत बताया 12 दिन का कश्यप ऋषि ने, ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पड़वा से प्रारंभ होता है, 12 दिन का व्रत है, इस व्रत को जो कर ले सारी मनोकामना पूरी हो जाए। इस व्रत का नियम है, इसको पढ़ना, क्या क्या नियम है। खाना नहीं है, केवल पय लेना है, पय माने दूध, वो भी देसी गाय के दूध से, विदेशी का दूध नहीं, ये प्रभाव है देसी गाय के दूध में, न जर्सी न वो हिंगलो, हिंगलो जो भी हम जानते नहीं नाम को, यहां की रहती
केवल देसी गौ माता, उसके दुग्ध से 12 दिन तक आप खीर बना लो, आप और जो पदार्थ पाए पीने वाले आहार बन जा में वो 12 दिन तक पियो, एक स्तोत्र है उसका पाठ करो, भूमि पर सो और सूअर जिस मिट्टी में लोट लगाता है उससे स्नान करो, इसके नियम है कुछ यहां पर, वो पालन करो, 12 दिन में मनोकामना पूरी हो जाएगी, प्रकट प्रत्यक्ष उत्तर मिल जाएगा सामने। कैसे हो? कर्पात्री जी महाराज आनंदमयी मां ने यह व्रत किया और महाराज आज माता अतिथि ने किया, जो अतिथि माता ने यह व्रत किया है, 12वें दिन भगवान ने दर्शन दिया, यज्ञ पुरुष ने देवता पुष्पों की वृष्टि जरे कार्य करते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञेश यज्ञ पुरुषा चुन तीर्थ पाद तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम हेय आपन्न लोक वृजिनो पशुमोदयाद्य शब्द कृधीश भगवन असीन नाथ। एक एक श्लोक से स्तुति करी, भगवान ने कहा माता तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बोले आपने मुझे माता कहा? बोले मेरा भजन, मेरा अर्चन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ममार्चनम नारहति गंतुम अन्यथा, मैं पुत्र बन के आऊंगा। इतनी खुश हो गई माता अदिति, ये 12 दिन के व्रत से इतना बड़ा फल कि आप मेरे पुत्र बनोगे, लेकिन किसी को कहना नहीं, और कोई पूछे तो प्रश्नापी कथंचन, फिर भी मत कहना, अच्छी चीज छिपाओ। हुआ यही, व्रत किया, कश्यप ने पूछा नहीं बताया, भगवान अंतर्धान हो गए। समय आया, तिथि वार योग नक्षत्र सब अनुकूल हुए। अभिजित मुहूर्त 12:15 बजे से लेकर मध्यान्ह के 12:15 बजे तक का मुहूर्त अभिजित मुहूर्त, द्वादशी तिथि विजय योग श्रवण के चंद्रमा है, भगवान बामन का प्राकट्य हुआ, देवता पुष्पों की वृष्टि जरे कार करते हैं। बामन भगवान की जय। दशावतार में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। छल यसि विक्रमणि बलि मजबूत बामन, छल यसि विक्रमणि बलि मजबूत बामन, पद नख नीरज नित जन पावन पावन केशव भृत पामन रो, जय जय देव हरे हरे, जय जय देव हरे हरे, जय 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 देव। बोलिए पामन भगवान भगवान बामन का प्राकट्य हुआ। देखो इसको कहते हैं कि गोविंद देव जी प्रमुख यजमान बनते हैं तब क्या होता है, अगर लोकल यजमान बनते तो क्या होता, लोकल लोग आ जाते, केवल अपना वो लोग आते जिनसे खून का रिश्ता है, इष्ट मित्र थोड़े बहुत, लेकिन जब स्वयं गोविंद देव यजमान बन गए प्रमुख इसके, तो कलकत्ता से अलग आए, हैदराबाद से अलग आए, अहमदाबाद से अलग आए, जलगांव महाराष्ट्र से अलग आए, अब जो कितने सारे गुजरात का प्रतिनिधित्व कर लिया, आंध्र प्रदेश, अब तो तेलंगाना में आ गया, तो हम तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को समेट लेंगे हैदराबाद में, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश में ही था, अब तेलंगाना में आया, तो आंध्र प्रदेश भी आ गया, तेलंगाना भी आ गया, कलकत्ता बोले पश्चिम बंगाल भी आ गया, बिहार, बिहार भी आ गया महाराज, और तो और क्या कहें, अब तो पंजाब से भी लोग आ गए, लुधियाना से, तो पंजाब भी आ गया खींच करके। ये है गोविंद देव जी की यजमानी का प्रभाव, प्रमुख यजमानी का, और जयपुर के लोग तो राजस्थान के तो ठेठ यहां पर सब है ही है, क्या कहने महाराज, ये सब के सब आनंद लूट रहे हैं, हम भी आनंद, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, बड़ा आनंद हमको भी मिल रहा है, ये रस केवल आप नहीं लूट रहे, ये उभय पक्षीय रस है, यदि इस वाणी से निकलने वाले रस को आप लोग लूट रहे हो तो गोविंद देव जी की गोद में बैठने वाले इस रस को हम भी लूट रहे हैं। नारायण और इतने सारे विप्र ब्राह्मणों की सन्निधि में भगवान वामन का प्राकट्य, जनेऊ दिया है बृहस्पति ने, सूर्य ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है, कश्यप ने मेखला,
पृथ्वी ने मृगचर्म, चंद्रमा ने दंड, माता ने कोपी, आकाश ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडल, सप्तऋषि ने कुशा, सरस्वती ने आसनमाला, कुबेर ने भिक्षा पात्र और माँ पार्वती ने भिक्षा पात्र में भिक्षा डाली। भगवान वामन ने प्रणाम किया और कहा अब मेरे लिए आज्ञा दे कि मुझे करना क्या है। बोले राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, समय पर वहां जाइए, भिक्षा मांग के लाइए। भगवान वामन चलते हैं। तम नर्मदाया तट उतरे बलि यरे द्विजस्ते रघु कच्छ सत्य के हरेण गाम सन्नमयन पदे पदे, एक एक पद पे धरती दबती है। कोई देखता है तो देख करके कहता है महाराज कौन आए, देखो इनका तेज कैसा है। बोले सूर्य केलाया युद्ध विभाव सु सन कुमारो हृदय दृक्षया कृतो सत्रम सदंडम सजलम कमंडलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण सूर्य जैसा सेवा सनत कुमार जैसे हृदय में भाव शांत भाव ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, चेहरे पर तेज हो गए ब्राह्मण के, गायत्री जपो तेज बढ़ेगा। अब ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, सनत कुमारों जैसा नाम में समर्पित, और महाराज वसु जैसा गुण। आगे चले तो महाराज बलि के राज्य में नौकरों ने देखा, खबर करी महाराज सूर्य नारायण आ रहे हैं, किसी ने कहा चंद्रमा आ रहे हैं। यदि देव देवो मिर्ष चंद्रमोले दधार मूर्णा परया चभक्या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे खटपट खटनात खटपट वासुदेवा। छोटे से चेहरा लावण्य से सुसज्जित आंखें प्रत्यक्ष देख रही हैं, बलि के दरवाजे पर खड़े हुए। बलि को पता चला यज्ञ में से आए, दौड़ करके जो देखा, अरे ये सूर्य नारायण नहीं, ये तो सूर्यों का तेज लिया हुआ दिव्य वामन है। आहा अद्भुत, चरणों में प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्राह्मण आवे तो स्वागत करो प्रसन्नता के साथ, स्वागतम ते और नमस्कार करो नमस्तुभ्यम। हे ब्रह्म स्वरूप, हे ब्राह्मण, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ब्रह्मन किम करवामते, आप कैसे लग रहे हैं, ऐसा मेरे यहां ब्राह्मण बहुत आए, ऐसा नहीं कि मेरे यहां ब्राह्मण अभी भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरे यहां बहुत ब्राह्मण आए हैं लेकिन आज तक ऐसा ब्राह्मण नहीं आया, इतनी छोटी अवस्था में और इतना ब्रह्मर्षियों जैसा तेज व्याप्त है जिसके जीवन में, ये शरीर देखो चमक रहा है तमक रहा है। चरणों में प्रणाम किया कि महाराज ब्राह्मण के आने से तीन काम बन जाते हैं। पहले पदरावनी होती थी, बताओ, पहले कोई संत आता था ब्राह्मण आते थे तो पदरावनी होती थी कि नहीं, कि महाराज मारे घर आइयो, मारे घर आओ,
बोलते कि नहीं, अभी भी कहते हैं, एक घर संत को ब्राह्मण को बुलाने का घर में क्या लाभ है, ब्राह्मण को घर में बुलाने का लाभ देखो, दक्षिणा देनी पड़ेगी, क्यों बुला रहे हो? ब्राह्मण को बुलाओगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, क्यों बुला रहे हो? अच्छा अच्छा नहीं बुलाते मत बुलाओ, लेकिन अगर व्यापारी बुद्धि रखते हो तो सुन लो, ब्राह्मण घर में आएगा तो तीन काम बन जाएंगे। तीन काम, कौन से तीन काम बनेंगे? सबसे पहला काम, ब्राह्मण का पग अगर घर में पड़ता है तो पितर तृप्त हो जाते हैं। सबसे पहला, मैं हर चीज प्रमाण के साथ कह रहा हूं। ब्राह्मण भी ऐसे नहीं कि ब्राह्मण शरीर पा लिया तो ब्राह्मण, अरे कर्म से भी ब्राह्मण हो गए। हाँ, संध्या करने वाला, गायत्री करने वाला ब्राह्मण हो गए, ऐसा ब्राह्मण, तेजवान ब्राह्मण, ज्ञानवान ब्राह्मण यदि घर में आवे तो सबसे पहला काम है पितर तृप्त हो जाते हैं। और दूसरी चीज, कुल पवित्र हो जाता है, कुल पवित्र हो जाता है। और तीसरी चीज, अरे कामना वाले प्राणियों, तुम्हारे मन की कामनाएं भी पूरी हो जाएंगी अगर ब्राह्मण घर में आ जाएगा। ये तीन काम ब्राह्मण के घर में आने से होता है, यही बात बलि कह रहे हैं। अद्य न पितरस्तृप्ता अद्य न पावितम कुलम अद्य सृष्ट क्रतुरयम यद भवान आगतो गृहान, आप हमारे घर में आए। तीन काम। हमारी बहन, वो एक तो छोटी यहां पर बैठी है, एक आई नहीं अभी कलकत्ते से, हमने उनसे कह दिया था कि हमारे तो 365 घर हैं, घरों की कमी नहीं, तो उनको लगा कि हम अभिमान में बोल रहे हैं। हमने कहा कि हम सत्य कह रहे हैं, हमारे पास 365, तो व्यंग में बोलती हैं आपके 1000 घर हों। हमने कहा बहुत बढ़िया, और आशीर्वाद मिल गया, 365 से सीधे 1000 पर आ गए, कितना गुना ज्यादा वृद्धि हो गई। भैया ये हकीकत है। अच्छा एक बात बताओ, हम जो गोविंद देव जी की प्रधान यजमानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम घर, ये जो जिस घर में आप रह रहे हो वो हमारा है कि नहीं? ये लो, मैं अभी पूछ रहा हूं, अहमदाबाद में घर अपना है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, कलकत्ता कहीं चले जाए घर है कि नहीं? आज ही एक जगह होकर आए, उन्होंने कहा हम यहां घर बनवाने वाले हैं। हम उनका घर बड़ा महाराज, वो जल महल के सामने उनका अपना। हमने कहा हम कभी आएंगे तो यहां पर भी, कभी मन होगा तो, कभी मन, हमेशा नहीं, कभी मन होगा तो महाराज आपके लिए अलग से रहेगा। अब बताओ मैं करूं क्या? मुझे मैं कहता हूं ये मेरा करके तो छाती पर रखकर ले जाऊंगा नहीं, मेरे जितने अपने हैं उनका अपना मेरा ही तो मानता हूं और वो मुझे अपना मानते हैं, तो क्यों नहीं कहूंगा कि हजारों घर मेरे पास हैं, जहां चाहे वहां पर। अरे जब ठाकुर को अपना बना लिया और ठाकुर का सारा संसार अपना है तो कमी कहां पर किस बात की? एक 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 फकीर बैठा था सड़क पर, एक फकीर, हम फकीरों जैसे हैं हम, हकीकत बात है, फकीर बड़ा मौजी होता है और फकीर जैसा कोई बादशाह नहीं होता, फकीर जैसा कोई बादशाह नहीं होता, फकीर मौजी होता है। एक सेठ गाड़ी में आ रहा था, बड़ी गाड़ी, मुनीम आगे चले, हटो हटो सेठ जी आ रहे हैं, फकीर लेटा हुआ था, फकीर नहीं हटा। राजा उतर करके नीचे आया, सेठ कहा अरे भाई सब लोग हट रहे हैं, तू क्यों नहीं हट रहा, तुझे दिख नहीं रहा हम सेठ हैं? फकीर ने देखा, अच्छा सेठ है, क्या काम करता है? बोले मेरी 4 फैक्ट्री है कपड़ों की, और मेरा बहुत बड़ा व्यापार है, 2 फैक्ट्री लंदन में है, 2 फैक्ट्री दुबई में है। वाह वाह, भारत में कुछ नहीं बना है? भारत में तो 8 फैक्ट्री हैं। क्या कहने, कितना कमा लेता है? अरे तुम सोच भी नहीं सकते हो फकीर बाबा जी, मेरी कमाई कितनी कमाई है,
बोले अपने नगर में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरने वाला मैं ही हूं। कितना कमाते हो? 1,000, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़। बोले हां 5,000 तक पहुंच चुका हूं, 10,000 पहुंच जाऊंगा, फिर क्या करेगा? क्या करेगा? बोले कम से कम 50,000 करोड़ का पतंजलि से तो ऊपर जाऊंगा, उससे तो ऊपर जाऊंगा। अच्छा फिर क्या करेगा? उससे ऊपर जाकर के फिर चैन की नींद आराम से सोऊंगा। तो फकीर ने कहा इतना करने के बाद जो काम तू करेगा वो मैं आज भी कर रहा हूं। इतनी मेहनत करने के बाद मैं तो आज मौज उड़ा रहा हूं चैन से। तो कहा उस समय मेरे पास में उतना 1,000 करोड़ होगा, तेरे पास क्या है फकीर? बोले मेरे पास, मुझे तू तो गिन भी लेगा कि तेरे पास कितना है, लेकिन मैं तो आज तक नहीं गिन पाया मेरे पास कितना है। हाँ हाँ मेरे पास खजाने की कोई कमी नहीं, आज तक नहीं गिन पाया मैं मेरे पास कितना है। बोले कहाँ है? बोले तुम जैसे सेठों की तिजोरी में बंद रहता है, जब चाहे जब निकलवा लेते हैं, जब चाहे। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। अरे कभी चबा दे चना चबे ना, लपट ले खीरा दी, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे। भरत मैं हकीकत बताता हूं, न चाहता हूं तो वो ठाकुर करवा देता है। हम बैलगाड़ी में बैठ के भी गए हैं। अब आप सोचो कि बैलगाड़ी में कहां से, जहां रुके थे वहां से कथा करने तक, गंगा नहाने तक, हाँ बैलगाड़ी में भी गए हैं। हरि बाबा का बांध धाम, वहां पर गाड़ी नहीं चल पाएगी, बड़ी विरेत है। पैदल चलकर कथा स्थल पर पहुंचते थे, एक दिन गंगा नहाना था तो कहा महाराज यहां तो बैलगाड़ी चलेगी, हमने कहा उस पर बैठ जाएंगे। बैठ गए, बड़ी बूढ़ी लोग आई है घूंघट लगा लगा के बैठी, हम भी उनके बीच में बैठ गए। बैठ गए, इधर बैठा दो तो यहां खुश, कल बैठ रहे थे ये आ गए, ये गाड़ी आपके लिए रखी है, इस पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाएंगे, इस पे खुश। इधर बैठा दो इधर खुश, उधर बैठा दो उधर खुश, क्यों? हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। न हम हरम चाहते हैं न कर्म चाहते हैं, जो तू चाहता है वो हम चाहते हैं। अरे कभी चबा दे चना चबेना, अरे कभी लपट ले खीरा दी, कीर्तन में लेना भजन में मत लेना, ये थोड़ी सी धुन बनाई थी बस। नारायण मस्ती हो रही है तो फिर जो आ रहा है भाव में जो आवे उसके पश्चात में महाराज भगवान बामन, अब इस कथा को एक सूत्र दे रहा हूं। भगवान बामन, लोग कहते हैं कि बामन ने छल किया और हम कह रहे हैं कि बामन ने छल नहीं किया। एक श्लोक है वो श्लोक सुनाता हूं आज। बलि पूछता है कस्तुम ब्राह्मण, आप कौन हैं हे ब्राह्मण, आपका परिचय। और भगवान बामन कहते हैं अपूर्व, मैं अपूर्व हूं। अपूर्व का अर्थ मुझसे पूर्व कोई कभी हुआ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, सबसे पूर्व मैं ही था। अपूर्व अमाने नहीं, पूर्व माने पहले, मुझसे पहले कोई नहीं, मैं अपूर्व हूं। और बामन की बात सुनकर बलि समझता है कि इनका नाम ही अपूर्व है। फिर बलि पूछता है
क्वचतव वसतिर, आप कहां रहते हैं, निवास कहां है। भगवान वामन कहते हैं या खिला ब्रह्म सृष्टि ही, इस ब्रह्म सृष्टि में सर्वत्र रहता हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और बलि क्या समझ बैठता है, ओहो फकीर है ना बाबा जी, है ना, तो इनका पता नहीं है कहां रहे, कभी यहां रह लेते कभी वहां रह लेते, कभी कभी महाराज यहां पा लेते हैं तो कभी भवन में जाके पा लेते हैं, एक जगह ठिकाना तो नहीं है। हम फकीरों का कहां है ठिकाना, कहीं बस्ती कहीं मंजर कहीं पानी कहीं दाना। और भगवान कह रहे मैं सब जगह हूं, इसके समझने में भ्रम हो रहा है। फिर ये कहता है कस्ते नाथो, आपका नाथ कौन, भगवान वामन कहते हैं या नाथ मैं अनाथ हूं। भाव बोले मेरा नाथ कोई नहीं, सब नाथों का नाथ जगन्नाथ में ही हूं, मेरा कौन बाप होगा, मैं सबका बाप हूं, माता भी मैं ही हूं, माता धाता पितामह, मैं सब कुछ हूं। और भगवान की बात सुनकर बलि क्या समझता है, ओहो अनाथ है, पेरेंट्स गुजर चुके। फिर बलि पूछता है कि आपके माता पिता का नाम, क्वचतो पितरौ, तो भगवान वामन कहते हैं नैव तातम स्मरामि, मुझे याद नहीं। ये याद नहीं है का भाव क्या था, अरे जब कह दिया मेरा कोई नहीं है फिर तू कह रहे नाम बताओ, अब नाम भी नहीं मेरे को पता क्यों। बोले मैं यशोदा मैया नंद बाबा कहूं कि वसुदेव देवकी कहूं कि मनु शत्रुपा कहूं कि मैं कश्यप अदिति कहूं कि मैं दशरथ कौशल्या कहूं, मैं क्या कहूं मुझे याद नहीं है, नहीं बताता मैं इस बराबर। और ये क्या समझते हैं बलि, ओहो बचपन में ही गुजर गए इसलिए भूत याद नहीं, कोई बात नहीं। किमते भीष्टम, आप चाहते क्या हो, आपका अभीष्ट क्या है। बोले त्रिपद परिमिता भूमि, तीन पग भूमि, तीन पग, वो भी मेरे पांवों से, जमीन तेरी पांव मेरे, अरे अरे पागल हो, तीन पग भूमि रत्यल्प मेतत, ये तो बहुत ही कम होंगी, तुम कहो तो मेरे यहां बड़े बड़े असुर वो नाप देंगे ना, पांव मेरे जमीन तेरी रत्यल्प मेतत, ये तो बहुत ही कम है। बलि कह रहा है, भगवान वामन कहते तेरी दृष्टि में कम होगा लेकिन मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, त्रैलोक्यम भावयामः, तीन पग देके तो देख एक बार, पूरी त्रिलोकी ही मेरे लिए हो जाएगी। भगवान वामन संकेत कर रहे हैं, कहना तो ये चाहते हैं कि तीन पग में पूरी त्रिलोकी नाप लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और बलि क्या समझता है, बड़े संतोषी है, इनको इतना कह दो कि तीन पग भूमि, तो कहते मेरे लिए तो तीन पग पूरी त्रिलोकी है भैया, कितने संतोषी ब्राह्मण है। ब्राह्मण के शब्दों पर ही नहीं आ पा रहे, समझ नहीं पा रहे भाव को। तब जाकर के बलि ने संकल्प लेना, संकल्प विचार किया, गुरुदेव दौड़कर आते हैं, कहते हैं परिचय करा रहा हूं, रुक जा मत दे, ये बामन नहीं है, बामन के रूप में भगवान विष्णु ही सामने आया है। बलि की आंखों से आंसू बह गए, मेरे बाबा पर कृपा की थी इनने, तो प्रहलाद बनकर आए थे, नरसिंह बनकर आए थे, आज मुझ पर कृपा करी है तो बामन बनकर क्या है। गुरुदेव आज पता लग गया कि गुरु करता क्या है, क्या करता है। बोले नर के वेश में आए हुए नारायण को जब मनुष्य पहचान नहीं पाता, जब जीव पहचान नहीं पाता, तो गुरु ही उनकी पहचान कराने का काम करता है। ये गुरु, गुरु का यही काम है कि भगवान का साक्षात्कार करा दे, ये भगवान है। आंखें भर आई, बलि ने कहा गुरुजी मैं दूंगा, गुरु के मना करने पर बलि माने नहीं, शाप दे दिया बलि के लिए, जा राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा। बोले गुरुदेव जब ये नापेंगे तो राज्य लक्ष्मी रह कहां जाएगी अब मेरे पास, बहुत अच्छा। गुरुजी फिर भी रोकना चाहते हैं कि चेले का माल चला नहीं जावे, तो गुरुजी टोंटी में बैठ गए, टोंटी नहीं नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, चेले को नुकसान नहीं होने दूंगा, अब टोंटी में बैठे तो पानी नहीं आवे संकल्प के लिए। भगवान वामन ने कहा तेरे कमंडल में कोई कूड़ा करकर अटक गया है, अभी निकाल दूंगा मेरे हाथ में कमंडल में, कमंडल हाथ में लिया टोंटी में जो डाला, गुरुजी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, रोने लगे गुरुजी। बोले लेन हार कोई और दीन हार कोई, हमने आंख अकारत खोई। अच्छा देखो लेने वाले हम तो नहीं थे और देने वाले भी हम नहीं थे, फिर लेने वाले और देने वाले के बीच में काय को पड़ गए हम,
इसलिए जीवन में याद रखो, लेने और देने वाले के बीच में कभी नहीं पड़े। कोई देना चाहता है, दान करना चाहता है तो रोके नहीं, कितना निकालना, 2000, पागल है, 100 रुपया निकाल किसको, लेने देने वाले को कभी ना रोके। अच्छा, कुछ लोगों को समस्या यही होती है, बोले क्या, एक बार एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, चेहरा उतरा हुआ देख करके, कि एक बात बताओ, के तुमरो कछु गिर गयो, के काहू के दीन, तुम्हारा कुछ गिर गया या तुमने किसी को कुछ दे दिया, के तुमरो कछु गिर गयो के काहू के दीन, अरे कारण मोहे सुनाओ स्वामी, मुख है क्यों ये मलीन, तुम्हारा मुख उतरा हुआ क्यों है। तो पति कहता है, ना हमरो कछु गिर गयो, ना हमरो कछु गिर गयो और ना काहू को दीन। बोले फिर, बोले ते तो देखो और को ताते मुख है मलीन, दूसरे को देता हुआ देखा उससे मुख उतरा हुआ है, बीच के चक्कर में बेकार पड़ गए। इधर महाराज भगवान ने अपना विराट रूप लिया है। अदिति आज बलि की माता धन्य हो गई कि बेटा तेरे पिता जब प्राण निकले थे तो मैं सती होने जा रही थी, अच्छा हुआ मैं तेरे पिता के साथ सती नहीं हुई। क्यों, बोले अगर सती हो जाती तो आज ये अवसर कहां मेरे आंखों के आगे आता, तक विश्व को देने वाला मालिक आज हाथ पसार के खड़ा हुआ है। भली भई सती ना भई, पति विरोचन साथ, यह अवसर कब देखती जो हरी पसारे हाथ। और महाराज अब तो वामन भगवान ने जो विराट रूप लिया, बाएं पांव से नीचे के लोग, दाहिने पांव से ऊपर के सारे लोग, और दिशाओं से अपने हाथों से दिशाओं को नापा। अब हाथों से नापने की बात तो नहीं थी, पांवों से नापने की बात थी, तो क्यों हाथों से नापा। हमारे गुरुदेव कहते हैं, भैया जाकी लाठी बाकी भैंस, बलवान के आगे बोले कौन, सत्ता मजबूत हाथ में है तो कौन बीच में बोलेगा, सब फड़फड़ाते रह जाएंगे। अभी लिखा हुआ था एक जगह बोर्ड, बोले भ्रष्टाचार मिटाओ भाजपा भगाओ, अभी फड़फड़ा ही सकते हैं और कुछ तो कर नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार मिटाओ भाजपा भगाओ, नारायण तो फड़फड़ाने के अलावा इनके हाथ में कुछ नहीं है। भगवान वामन ने कहा, दो पग में मैंने सब कुछ नाप लिया, अरे बलि वचन देकर के जो पूरा नहीं करता वो नरक में जाता है, दो पग सब कुछ नप गया, तीसरा पग अभी भी शेष है, तूने वचन पूरा नहीं किया, देख नरक के दरवाजे तेरे लिए खुल गए हैं, जा नरक में। बलि हाथ जोड़ता है, मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, हे प्रभु एक बात कहनी है, क्या, राजा बड़ा के राजा का राज्य बड़ा, बोले राजा बड़ा जो राज्य का पालन करता है, विश एम्पायर बड़ी कि विश एम्पायर का डायरेक्टर बड़ा, डायरेक्टर बड़ा, डायरेक्टर है तो विश एम्पायर है, डायरेक्टर के चलाने पर चल रही है, विश एम्पायर डायरेक्टर को नहीं चलाएगी, डायरेक्टर के अकॉर्डिंग विश एम्पायर चलेगी तो विश एम्पायर बढ़ेगी। ये संविधान नियम कायदा बनाने वाला तो डायरेक्टर है, तो राज्य बड़ा कि राजा बड़ा, बोले राजा बड़ा जो राज्य को चलाता है। आज एक राजा है, कल दूसरा राजा आएगा, कंपनी वही रहेगी, कल वो राजा, कल तीसरा राजा आएगा, कंपनी तो वही रह जाएगी, लेकिन चलाने वाले राजा होंगे तो बढ़ पाएगी। इसलिए राज्य छोटा है राजा बड़ा है। बलि ने कहा, हे भगवान आपने अहमतास्पद अहंकार का, ये राज्य मेरा था, पूरा साम्राज्य मेरा था, आपने ये तो नाप लिया, लेकिन जो राजा का देह है ये ममतास्पद देह है, मुझ पर कृपा करके ये राजा का देह भी आप तीसरे चरण से नाप लो। पदम तृतीय में कुरुशीर्ष में निगम, पदम तृतीय कुरुशीर्ष में निगम। भगवान वामन ने चरण उठाया, लेकर बलि के मस्तक पे रखा, तीसरे पग में बलि का देह भी नाप लिया और महाराज इसको गरुण पास से बांध करके पटक दिया। ब्रह्मा ने कहा, इतना अन्याय हमने आपका किसी युग में नहीं देखा, आपने बलि ने सब कुछ दिया आपको, आपने बलि को बांध दिया। भगवान वामन बोले, मैंने बलि को नहीं बांधा ब्रह्मा, मैं बलि की भक्ति में बंध गया हूं,
बलि बंधा हुआ दिख रहा है लेकिन बंधन में मैं हूं। बिंद्यावली बोली, मैं पति को बंधन में नहीं देख सकती, मेरे पति को बंधन से मुक्त करें। भगवान ने गरुण पास से मुक्त किया। प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए। प्रहलाद बोले, धन्य है प्रभु, बहुत बड़ा अनुग्रह आपने किया। दुनिया को लग रहा है कि छल हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं आपने कितना बड़ा अनुग्रह किया। क्यों? इस चरण कमल जो लक्ष्मी दाबती है, आज तक आपने लक्ष्मी के माथे पे नहीं रखा। इस चरण कमल आपने अपने पुत्र ब्रह्मा के माथे पे नहीं रखा। इस चरण कमल आज तक आपने पौत्र अपने शंकर के माथे पे नहीं रखा। आज वही अपना चरण कमल लेकर मेरे पौत्र बलि के माथे पे रख दिया है। बहुत बड़ा अनुग्रह आपने कर दिया, उस पर कृपा हो गई। बलि हाथ जोड़ करके खड़े हुए। भगवान वामन ने कहा, बलि मांग तुझको क्या चाहिए, आज जो तू मुझसे मांगेगा मैं तुझको वो दूंगा। ये मांगने वाले आए थे, आज देने वाले बन गए। तू यदि कहेगा ये पूरा राज्य जो मैंने नापा है लौटा दूं, अभी लौटा दूंगा। नहीं प्रभु, अब ये राज्य के पचड़े में पड़ने वाला मैं नहीं हूं। हां, जब मेरे आगे वो बादशाह खड़ा हो जिसको एक बार कह दूं तो राज्य भी चरणों में। अब तो कौन मांगना है, मैं अब आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, फिर मैं अब आपसे आपको ही मांगता हूं। आपसे आपको मांग रहा हूं, आपसे संसार का ईश्वर नहीं मांग रहा हूं, मैं अब आपसे आपको मांग रहा हूं। ये सौभाग्य ध्रुव को प्राप्त नहीं हुआ था। ध्रुव भगवान से भगवान को नहीं मांग पाए, भगवान से संसार मांग लिया था। मन की कामना यही थी पूर्व में, तो भगवान ने पूर्व कामना पूरी कर दी, राज्य दे दिया। बाद में कृपा करी अलग बात है, लेकिन यहां तो कोई कामना नहीं थी, यहां तो अभी अभी कामना पैदा ही हुई है। क्या कामना? राजा बलि कहे बामन सो, नहीं चाहिए कछु धन धाम अगारे, तीनों लोक को राज्य चाहूं नहीं, चाहूं नहीं सुख साज समारे, चाहूं यही रुचि हो मेरी धर्म में, प्रीति रहे चरणों में तिहारी, यही स्वरूप तेनाथ सदा तुम ठाड़े रहो प्रभु द्वारे हमारे, यही स्वरूप से नाथ सदा तुम ठाड़े रहो प्रभु द्वारे, सुतल लोक का राजा बनाया बलि को। और यह भी कह दिया, भविष्यवाणी कर रहा हूं, आगे आने वाला जो मनवंतर आएगा, हे बलि तुम इंद्र बनोगे। आगे आने वाले मनवंतर में अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। आगे आने वाला जो मनवंतर आएगा उसमें बलि इंद्र बनेगा। बलि के दरवाजे पर वामन खड़े हो गए। क्या बन के खड़े हुए? गेट कीपर, हाँ, द्वारपाल बन के। और द्वारपालों का अपना एक रोल होता है, उनका अपना रोल है, और द्वारपालों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनको अपना रोल निभाने देना चाहिए, ये सिद्धांत है। द्वारपालों का काम है बिना पास के भीतर नहीं जाने देंगे तो आप कैसे ले जाओगे? तो आपका कर्तव्य बनता है पहले पास लेकर आओ। वो पास द्वारपालों के पास, तब वो हटाएगा डंडा करेगा पास, ये उनकी ड्यूटी है। तो दोष उनका नहीं है, दोष तो उसका है जिसके पास पास नहीं है। नारायण, अद्भुत बात है, रावण भी आया बलि से लड़ने के लिए, लेकिन द्वारपाल थे पास,
मांगा पास। रावण ने कहा नहीं है पास, हम तो घुसेंगे अपने बल पर। बोले हम निभाएंगे ड्यूटी, तुम घुस नहीं सकते। और एक ठोकर मारी रावण में वामन भगवान ने, सुतल लोक में एक अंगूठा, तेज नहीं मारा, तेज नहीं मारा, हाँ केवल एक अंगूठा लगाया था, अंगूठा। उस अंगूठे के लगाने से सुतल लोक से रावण सीधा लंका जाकर गिरा, फिर कभी दोबारा आया ही नहीं। श्री हनुमान जी महाराज और रावण का युद्ध हुआ है, हाँ मैदान में युद्ध हुआ, एक एक मुक्के का हुआ, केवल एक एक मुक्के का। रावण ने कहा अरे तू वही बंदर है जिसने लंका में आग लगाई थी? बोले हाँ वही है। वाह, इस समय भाग गया था आग लगा करके, आज सामने आया है, आज तेरा मेरा मुकाबला हो जाए। हनुमान जी ने कहा हम तो तैयार हैं। ये देखो कोई बंदरों की आवाज आ गई, कहा हम तो तैयार हैं बिल्कुल एकदम। कल हमें तो पता नहीं, यहां कहीं झरोखे से कोई बंदर बैठा हुआ था कल, किसी ने देखा था? कोई है यहां पर? लो देखने वाले देखे, इधर बैठा था। हाँ, और कैसे बैठा था? यूं बैठा था, इधर बैठे झरोखे, यूं बैठा हुआ था। और कब? जब प्रसंग चल रहा था, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो। ये हमको आज पता लगा, बताया किसी ने कि कल इस प्रकार से बड़े भाव से चाप से बैठा हुआ बंदर सुन रहा था। तो हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि स्वयं हनुमंत लाल जी ही राम जी का गुणगान बैठ के सुन रहे थे। नारायण, हनुमान जैसा देवता तो कहां मिलेगा। हनुमान जी ने कहा रावण मुकाबला होगा, ज्यादा बड़ा नहीं, केवल एक एक मुक्के का। रावण ने कहा फिर हम तैयार हैं, करो अपना प्रहार। हनुमान जी ने कहा हम नहीं करेंगे पहले। बोले फिर पहले तुम ही कर लो। कारण? बोले हमारा पड़ा फिर बच भी पाए कि नहीं बच पाए कोई गारंटी थोड़ा ही है, फिर कहोगे कि हमें मौका नहीं मिला, अपना प्रहार कर लो। रावण ने महाराज अपनी 200 भुजाओं का प्रहार हनुमान जी पर, और महाराज घुमाया लेकर के, जितनी शक्ति थी, संभाल सकता है वानर तो मेरे बार को संभाल। और रावण ने एक मुष्टिका का प्रहार जो हनुमान जी पर किया, हनुमान जी केवल अपने घुटने के बल पर टेके, जानू टेक, लेकिन मूर्छा नहीं, उठ के खड़े हो गए, जानू टेक। रावण ने कहा धिक्कार है। रावण ने कहा वाह तू बलवान है। ये एक अकेला रावण पहली बार कह रहा है हनुमान से कि तू बलवान है, आज तक नहीं कहा। रावण किसी की प्रशंसा करना जानता ही नहीं था, किसी की नहीं। रावण जिससे हार भी जाता था ना, उसकी भी प्रशंसा नहीं करता था, लेकिन आज पहली बार हनुमान की प्रशंसा करी। रावण और अंगद के संवाद में एक प्रसंग आता है, जब रावण ये कह रहा है कि अंगद कहता है बाली का नाम सुना है ना, हाँ हाँ हाँ, एक रामलीला की घटना है, हाँ 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 सुना है, बाली नाम करके एक वानर था, हमारा ही यार था, हम सब दोस्तों में सबसे कड़ा रहा, बाली नाम करके एक वानर था, हमारा यार था, हम सब दोस्तों में सबसे कड़ा रहा, हारा तो एक हमसे ही हारा,